पांच साल के कार्यकाल में पांच बार मुख्यमंत्री बदलने की सच्ची दास्ता आज मैं सिर्फ आपके लिए लेकर आया हूं, तो जरूर पूरा अंत तक सुनिए और जरा देखिए कि राजनीति में ये कैसे संभव हो पाया कि पांच साल पांच मुख्यमंत्री बदल दिए गए, बार बार बदले गए, हर साल बदले गए। नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ये धारणा रातों रात नहीं बनी है साहब, इसके पीछे लंबा अतीत रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बंपर जीत के बावजूद पांच साल के कार्यकाल में पांच बार मुख्यमंत्री बदलने की दास्ता अब कहानी का रूप ले ली है साहब। तो मैं सोचा क्यों ना आज बता ही देता हूं आपको ये सच्ची दास्ता। साल था 1985, इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के कारण कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। कांग्रेस ने अर्जुन सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और 320 विधानसभा सीटों में 250 पर उसे जीत मिली थी। इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ना स्वाभाविक था। यह जीत अर्जुन सिंह के लिए इस मायने में भी खास था कि 1980 से 1985 तक सरकार चलाने के बाद उन्होंने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर उनका स्वाभाविक दावा था। कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में उन्हें नेता चुनने की औपचारिकता पूरी करने के लिए बुलाई गई। 11 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाले घटनाक्रम के तहत उन्होंने अगले ही दिन इस्तीफा दे दिया। वजह यह रही कि राजीव गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अर्जुन सिंह को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। और कहानियां ये भी कही जाती हैं कि एक दिन का मुख्यमंत्री और अगले दिन राज्यपाल, ये पहली बार हुआ था घटना जब कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और अगले दिन ये घोषणा होती है कि वो किसी दूसरे प्रदेश का राज्यपाल बन चुका है। कांग्रेस लीडरशिप के पास उस वक्त इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद ही राज्यपाल बनना था तो मुख्यमंत्री चुना ही क्यों गया। खुद अर्जुन सिंह इस फैसले से दंग थे और शायद वो नाखुश भी थे। राजनीतिक गलियारों में माना गया कि वह कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गया। लगातार दूसरी बार सीएम बनने से उनका बड़ा राजनीतिक कद कांग्रेस के लिए इनर सर्किल में पसंद नहीं किया गया, शायद ये भी कारण हो सकता था। अर्जुन सिंह की जगह मध्य प्रदेश में मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। वह 3 साल सीएम रहे। उधर अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में वापसी को बेताब थे, इसमें वह कामयाब भी हुए। कांग्रेस लीडरशिप ने मोतीलाल वोरा को केंद्र बुला लिया और अर्जुन सिंह 14 फरवरी 1988 को एक बार फिर मध्य प्रदेश के सीएम बन गए। यह कार्यकाल एक साल भी नहीं चला था कि एक चर्चित घोटाले में नाम आने के बाद उन्हें फिर इस्तीफा देना पड़ गया। मोतीलाल वोरा को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस की उठापटक इस हद तक बढ़ी कि अगले चुनाव से पहले मोतीलाल वोरा को फिर हटना पड़ा और उनकी जगह श्यामचरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। इस तरह मध्य प्रदेश की 8वीं विधानसभा में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बने थे, जो आज हमने आपको बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया और आपको बताया कि वो सच्ची दास्ता जो अब कहानी का रूप ले ली है। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहानी नहीं होती है, हर दिन एक कहानी बनती है, जो आपको आज हमने समझाने का प्रयास किया। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें। शुक्रिया।